श्रोमणी अकाली दल के जनरल सकत्तर बिक्रम सिंह मजीठिया नूं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो वड्डा झटका लग्या क्योंकि हाई कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बिक्रम सिंह मजीठिया ने हाई कोर्ट का रुख किया होया सी, हालांकि पहला उन्होंने अगाऊ जमानत दे दी गई सी, पर हुण जो उन्होंने अंतरिम जमानत की अर्जी है वह खारिज हो गई है। बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई सी 20 दिसंबर नूं मोहाली दे विच ड्रग्स केस के नाल जुड़िया होया जिहड़ा मसला सी, FIR दर्ज हुई सी। तो बाद बिक्रम सिंह मजीठिया कई दिन जनतक थावां ते नज़र नहीं आए सन, हालांकि श्रोमणी अकाली दल ने दावा किया सी कि वो पंजाब दे विच ही ने अपने हल्के दे विच ने बिक्रम सिंह मजीठिया हालांकि जमानत मिलन तो बाद सामने भी आए सन। उन्होंने कई इल्ज़ाम कांग्रेस पार्टी ते लगाए सन ते श्रोमणी अकाली दल लगातार यही कह रहा सी कि सियासी साजिश है, बदलाखोरी की भावना नाल अंजाम दिती गई है अते उस दे तहत ही FIR दर्ज की गई है। पर कांग्रेस के जो लीडर ने लगातार दावा कर रहे सन कि कानून के मुताबिक ये कार्रवाई हुई है। तो हुण पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो बिक्रम सिंह मजीठिया नूं वड्डा झटका लग्या, उन्हां दी जमानत अर्जी खारिज हो गई है। 10 जनवरी नूं उन्हां नूं हाई कोर्ट ने राहत दित्ती सी, अगाऊं जमानत दित्ती सी, हालांकि मोहाली कोर्ट जदों गए सन तो उत्थों भी उन्हां नूं झटका ही लग्या सी, राहत नहीं मिली सी। पर बाद दे विच पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हां नूं अगाऊं जमानत दे दित्ती सी, पर हुण उन्हां दी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है।